चाहे सामाजिक विकास हो या गरीब के जीवन का उत्थान हो, चाहे आदिवासी समाज का उत्थान की बात हो, चाहे दलित समाज के उत्थान का बात हो, या फिर समाज के अन्य वर्गों की बात हो, समाज में सामाजिक समरसता रहे। और इसलिए बिना अनुसूचित जाति के आरक्षण को छेड़छाड़ किए आजादी के बाद पहली बार देश के सामान्य जन के स्वर्ण वर्ग के गरीब तबके को 10% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने पहली बार किया। उसी तरह ये जो पिछड़ा समाज, झारखंड में पिछड़ा समाज काफी अधिक संख्या में है, वर्षों से पिछड़ा समाज की मांग थी कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दे मिले, लेकिन कांग्रेस ने 50 55 60 साल राज करने के बाद भी पिछड़ों को जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा मिलनी चाहिए वो देने का काम नहीं किया। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लोकसभा में पास कराने का काम किया, वहां भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का काम किया। और इस तरह आजादी के बाद पहली बार पिछड़ों का संवैधानिक दर्जा देने का काम अगर किसी सरकार ने की तो है मोदी सरकार ने काम किया। और आज भारत एक बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा, जहां आप देख रहे हैं इन 4.5 वर्षों में झारखंड ही नहीं देश विकसित देश की ओर जा रहा है और विश्व में भारत का नेतृत्व क्षमता विकसित हो रहा है। और वो क्षमता, वो नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज एक वैश्विक नेता होकर, जो वर्षों से 1 अरब 25 करोड़ आबादी की सोच थी कि भारत विश्व गुरु बने, भारत दुनिया का आर्थिक सुपर पावर बने, उस दिशा में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत का गौरव, भारत का वृद्धि पूरे दुनिया में आज सम्मान हो रही। और इसी तरह आपने देखा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पुलवामा वाली घटना हो, पिछली की कांग्रेस सरकार आतंकवादी को चिकन और बिरयानी खिलाने का काम करती थी, लेकिन पहली बार एक मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर पाकिस्तान और आतंकवादी हमारे सैनिकों हमारे क्षेत्र में बुलेट का प्रयोग करते हैं तो मोदी जी ने सेनाओं को खुली छूट दी कि बुलेट का जवाब बम से देने का काम करो। और आपने देखा किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। अभी पुलवामा की घटना में भी किस प्रकार हमारे वायुसेना के सैनिक अपने शौर्य, अपनी पराक्रमता, अपनी वीरता का प्रयोग करके आतंकवाद के ठिकानों के साथ उन आतंकवादियों को मिटाने का भी काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश में 55 साल से शासन करने वाली पार्टी, ये हमारे विपक्षी दल हमारे वीर जवानों की शौर्य और वीरता पर आज प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो हमें आने वाले समय में ऐसे राजनीतिक दल को बैलेट से, जिस तरह प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को बुलेट से प्रहार कर रहे हैं, हमें देश में ऐसे राजनीतिक दल जो सैनिकों से आज सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लोग से बैलेट का प्रयोग कर उन्हें देश से बाहर, देश की राजनीति से बाहर करने का काम हमें करना चाहिए। और तभी जाकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हमें 2019 में एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक दूरगामी सोच के प्रधानमंत्री और आने वाले वर्षों में जो 2022 संकल्प से सिद्धि, एक ऐसा भारत जहां कोई गरीब बेघर ना रहे,
आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना तेजी से काम हो रहा है, कोई बेदबा ना रहे, आयुष्मान भावा योजना चल रहे, कोई महिलाएं हमारी बेवा ना रहे, इसलिए आर्थिक सशक्त करके उनको स्वावलंबी करके अपने पैर पर खड़ा होने का काम, और इसी तरह हमारी गरीब बहन कोई धुएं का शिकार ना हो। इस देश में करोड़ों गरीब बहन को एलपीजी गैस सिलेंडर देने का काम, झारखंड देश का पहला राज्य जहां सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं और फर्स्ट रिफिल का भी पैसा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी तक राज्य में 27 लाख हम लोग गरीब बहन को एलपीजी गैस सिलेंडर दे दिए, इस नवंबर तक 14 लाख और गरीब बहन को ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने थर्ड फेज में शुरुआत की, तो तीसरा फेज में नवंबर तक 14 लाख गरीब बहन को एलपीजी गैस सिलेंडर चूल्हा देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस तरह आप देख रहे हैं देश के अंदर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हो, और देश मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश जो तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास दर बढ़ाने वाले, तो ऐसे नेतृत्व को हटाने के लिए ये जो कांग्रेस नेहरू मंत्रिमंडल से जो जीप घोटाला, साइकिल घोटाला, यूरिया घोटाला, घोटालों की लंबी अर्ज करके G2 घोटाला, कोयला घोटाला, ये चोर लोग आज सारे लोग एक होकर एक ईमानदार प्रधानमंत्री को हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे समय में ये चोर लोग को, ये भ्रष्टाचारी लोग को हमें अपने बैलेट के द्वारा ये जवाब देना है कि हमें देश में ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। ये संदेश हमें देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का संथाल परगना सिद्धू कानू की इस धरती, फूलो जानो चांद भैरो तिलका मांझी की इस धरती में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, संथाल क्षेत्र में हमारे संथाल भाई बहन आदिवासी काफी बड़े पैमाने पर रहते हैं, पहली बार सरदे अटल बिहारी वाजपेयी ने संथाल भाषा को 8वीं अनुसूची दर्जा देने का काम किया, हमारी सरकार ने संथाल